Hello guys, welcome back to our channel. I hope you guys are absolutely fine. Myself Darshit Kathrotia, photographer and designer. So, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय में जो एंट्रेंस एग्जाम होती है JNPSC करके, सो उसमें किस तरीके से क्राइटेरिया रहता है, कौन एलिजिबल होता है और उसका ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। मैंने भी जब नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया था तो ये सारी चीजें मैंने फॉलो किया था। ऑनलाइन फॉर्म है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। ये वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन है 2020-21 का। ये एवरी ईयर थोड़ा बहुत क्राइटेरिया होता है वो वेरी करता है, बर्थ डेट्स क्राइटेरिया है और भी दो तीन चीजें हैं जो वेरी करती है। तो ये वीडियो के एंड में एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रखा है, जो आप उसमें से करंट ईयर का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो वहां से आप ले सकते हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से किसी को पता नहीं है कि व्हाट इज JNV, ये JNV क्या है, सो मैंने उसके ऊपर भी एक पूरा एक वीडियो बनाया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन व्हाट इज JNV का। सो वो देखने के लिए आप यहाँ पे लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हो और वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि JNV क्या है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है JNPSC एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको बेसिकली थ्री थिंग्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट है हु इज़ एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सेकंड है कि नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट होती है, कहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आफ्टर द एग्ज़ाम अगर फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। तो ये वीडियो में आपको मैं एक एक करके आपको तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। आई विल स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट पॉइंट, हु इज़ एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। सो जो भी कैंडिडेट अपने डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करता है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट के लिए, सो वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय ओपन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे वो विद्यालय होना चाहिए, तो ही वो कैंडिडेट अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो भी कैंडिडेट एडमिशन के लिए अप्लाई करता है वो कैंडिडेट का जो बर्थ डेट रहता है वो 1/5/2007 से पहले और 30/4/2011 के बाद नहीं होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है वो NVS डिसाइड करता है। बॉर्न डेट बर्थ डेट का जो क्राइटेरिया रहता है ये एवरी ईयर वेरी करता है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो करंट ईयर का क्राइटेरिया है 2020-21 के लिए। ये क्राइटेरिया हर एक कैटेगरीज में फॉलो होता है, जैसे कि जनरल है, OBC है, इंक्लूडिंग SC एंड ST अल्सो। जो भी कैंडिडेट एडमिशन के लिए अप्लाई करता है उसमें NVS को अगर कोई भी डाउटफुल केस लगता है रिगार्डिंग द एज, तो मेडिकल बोर्ड से कंफर्मेशन लेता है एज रिगार्डिंग, और मेडिकल बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा वो कैंडिडेट के एडमिशन के लिए फाइनल माना जाएगा रिगार्डिंग द एज। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 2020-21 के लिए, तो कैंडिडेट का जो क्लास फिफ्थ है वो 2019-20 में कंप्लीट होना चाहिए और ये कंपलसरी है। और क्लास फिफ्थ जो भी स्कूल से उनने जो पास आउट किया है वो गवर्नमेंट ऑथोराइज होना चाहिए या तो गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट अगर बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से कर रहा है उनको भी उनका भी जो क्लास फिफ्थ होता है वो 2019-20 में होना चाहिए सक्सेसफुली कंप्लीट, और वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट से वो पास आउट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहा है रूरल एरिया के कोटा से, तो उनका जो क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से या तो गवर्नमेंट ऑथोराइज स्कूल से पास आउट होना चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो भी कैंडिडेट ने अगर बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स पास किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, तो उनका जो कम्प्लीसन होना चाहिए वो 30 सितंबर 2019 के पहले होना चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो सकता है। हमारा सिक्स पॉइंट ये है कि जो भी कैंडिडेट रूरल एरिया से कॉम्पिटेंसी कोर्स किया हुआ है बी सर्टिफिकेट कोर्स, तो वो डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है वो उनको एक सर्टिफिकेट इशू करता है
और वो सर्टिफिकेट ये होता है कि रूरल एरिया के अंदर इनने लास्ट 3 ईयर्स अपना स्टडी किया हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। हमारा 7th पॉइंट ये है कि जो भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है, वो अगर अर्बन एरिया से होते हुए भी वो रूरल एरिया के कोटा से अप्लाई करता है तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। हमारा लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, उसने ये अप्लाई करने से पहले एक भी बार अगर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो दूसरी बार वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, वो एलिजिबल नहीं हो सकता। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर 2nd पॉइंट, हाउ टू अप्लाई फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट। JNV सिलेक्शन टेस्ट के लिए आपका जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस, वो पूरा थ्रू आउट ऑनलाइन प्रोसेस है। और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई फ़ी आपको पे करना नहीं रहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। NVS का जो मेन वेब पोर्टल है, 2 वेब पोर्टल है जो मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किया है, वो दोनों वेब पोर्टल से आप अपना एडमिशन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। और जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है वो आपको फिलअप करके सबमिट करना रहेगा, तो वो आप ये दोनों वेबसाइट के ऊपर से आप कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा है, उनको साथ साथ में रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट भी उनको अपलोड करना रहेगा। और वो जो भी सर्टिफिकेट है, मैंडेटरी सर्टिफिकेट, वो उनको JPEG फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना रहेगा। और उनका जो साइज़ है वो 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो ही वो सर्टिफिकेट उसमें अपलोड हो पाएंगे। इफ़ एनी कैंडिडेट फ्रॉम NIOS, उनके पास B सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और उनका जो रेसिडेंस है वो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए। NVS का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सबके लिए ओपन है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो कोई भी सोर्स से अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है, जैसे कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, कोई भी सोर्स से, मतलब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। सबसे खास और मेन बात यह है कि जो भी नवोदय विद्यालय है, जितने भी नवोदय विद्यालय है, वहाँ पे एक हेल्पडेस्क सेंटर है जहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट या पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो जो भी नवोदय विद्यालय है वहाँ पे जो हेल्पडेस्क है, वहाँ पे हेल्पडेस्क सेंटर से उनको असिस्ट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। और ऑनलाइन फॉर्म रिगार्डिंग प्रोसेस के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से उनको सॉल्यूशन मिल सकता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर 3rd पॉइंट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाइड करवाने होंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको उधर वेरीफाइड करवाना होगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट ये है कि अगर आपने नवोदय विद्यालय समिति, मतलब NVS का जो कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन, उसमें से आपने कौन सी एलिजिबिलिटी से आपने अप्लाई किया था, तो वो एलिजिबिलिटी का आपको प्रूफ या तो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे वेरीफाइड करवाना रहेगा। 3rd डॉक्यूमेंट ये है कि जो भी कैंडिडेट ने रूरल कोटा से अप्लाई किया था उनके पेरेंट्स को कंपिटेंट ऑथोरिटी से एक सर्टिफिकेट इशू करवाना रहेगा और लेना रहेगा कि उनका जो चाइल्ड था वो रूरल एरिया के जो स्कूल और इंस्टीट्यूशन था उसमें उनने स्टडी किया था, और सेम सर्टिफिकेट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनको सबमिट करना रहेगा। 4th डॉक्यूमेंट ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट NIOS स्टडी से है तो उनको रेसिडेंस सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा, उनको वेरीफाइड करना रहेगा। अगर वो NIOS स्टडी से नहीं है तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट और ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट ये है कि कोई भी कैंडिडेट अगर फिज़िकल हैंडीकैप है या तो फिर ट्रांसजेंडर है, उनको वो अपना डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट करना रहेगा और वेरीफाइड करना रहेगा। ये सब डॉक्यूमेंट जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको वेरीफाइड करने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप JNVSTK की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए हेल्प हो पाए। मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने भी मेरा जो स्कूलिंग है वो नवोदय विद्यालय से कंप्लीट किया है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से जिन लोगों ने भी नवोदय विद्यालय से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है, उन लोगों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये वीडियो को शेयर कीजिए और नवोदय विद्यालय की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँचाए जिनको इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। सो प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी एक बार कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट।